नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। माफी चाहती हूं, दो या तीन दिन कह सकते हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी और आज हर्ष के साथ काफी सारी बातें करी फोन पे। अच्छा लगा छोटे भाई के साथ बात करने से, बहुत अच्छा लगा। और फिर सुबह से मैंने कुछ ज्यादा खाया पिया नहीं था, तो रात को मैंने खाना बनाया जो उसे पता है, और उसके बाद खाया और उसके बाद फिर सो गई। आज मैं बहुत सोई हूँ, तो अगर मेरी आंखें वेल मतलब सोलन है अभी भी, तो वो ये एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं सोई हूँ, रेस्ट किया है मैंने बहुत, तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ऐसा तो मतलब सब कोई जानते हैं कि आज क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई नई बात नहीं है, बट तो भी एक फर्ज बनता है और ये एक मेरी इच्छा भी होती है कि मैं अपने तरफ से अपनी फैमिली को, यानी मेरी अपनी YouTube फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन दूं कि यस, अर्णब गोस्वामी जी इज बैक, अर्णब सर इज बैक, एंड वो आर डॉट रिपब्लिक इंडिया जो चैनल है उनकी, उसमें वो आ चुके हैं। आज 9 बजे का शो उन्होंने ही होस्ट करा, वही जोश वही जुनून के साथ उन्होंने कमबैक किया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में उन्होंने काफी चीजें देखी, उनको फोर्सिबली घर पे रहना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, कोविड पॉजिटिव हो गए थे वो, और जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि उन्हें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये कहा कि मैं इस घटिया बात को नहीं मानती हूं कि अर्णब गोस्वामी जी ये कहे कि भाई जो चल रहा है चलने दो, मैं जा रहा हूं वेकेशन में, तो नहीं, मैं वो कभी भी नहीं मान रही थी और मैंने ये कहा था और यही चीज सच है कि उन्होंने अपने मुंह से कहा कि नो आई वॉज नॉट ऑन अ वेकेशन एंड आई वॉज मतलब टेकिंग रेस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पॉजिटिव जो हो गए थे। बट अब बहुत ही अच्छा लगा है, करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों इंसानों ने उनके लिए प्रे करा था, जिसमें उनकी फैमिली ने इतना रॉक सॉलिड होकर उनका साथ दिया, उनकी वाइफ उनके बच्चे उनकी फैमिली ने, कि वो आज बहुत अच्छी तबीयत के साथ उन्होंने ये शो वापस से ज्वाइन किया है। वो आवाज को उस जुनून को बहुत लोग मिस कर रहे होंगे, मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो अब हर दिन हर रात हर रात 9 बजे हमें हमारे अर्णब गोस्वामी जी मिल चुके हैं, एंड उसके साथ साथ ही मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद जुड़ गई है मेरे साथ के हम जो जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अब उनकी आवाज, मेरी आवाज, सारे लोगों की आवाज बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के वापस जस्टिस मांगेंगी, बहुत अच्छा लगता है। बट यू नो व्हाट, अर्णब सर से मैं कहना चाहती हूँ, आपके एब्सेंस में आपकी जो जगह जिन्होंने ली थी वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बट उनके साथ साथ हमारे यूट्यूबर्स ने भी आपकी पोजीशन को पता नहीं अपने आप में इतना ढाल लिया है कि अब हमारे जो यूट्यूबर्स है समझने वाले समझ जाएंगे कि हर रोज ना लाइव सेशन करने लगे हैं, हर रोज लाइव सेशन कर रहे हैं कि भाई हमने इनको इनवाइट किया, हमने उनको इनवाइट किया, हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ये डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, अर्णब गोस्वामी जी एक हैं और वो वही रहेंगे, और ये जो लाइव सेशन का ये जो जुनून चल रहा है ना आप लोगों में दिल से दिल तक, और क्या क्या फोगट फिल्म्स, ये सब मैं नहीं बोलना चाहती थी, बट तो भी दिल से दिल तक आई रियली लव यू गाइस, मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो क्योंकि आप कम से कम फालतू की खबरें नहीं देते हो, आई रियली अप्रिशिएट एंड मैं दिल से आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ओमिट 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 उनका नाम ओमिट, बट ये जो फोगट फिल्म्स है, आई एम सॉरी टू से मिस्टर संदीप, आपने एक क्या कर लिया है, मतलब पहले आप बोलते थे, पहले आप डिस्कशन नहीं, आप बोलते थे कि आप अपने व्यू रखते थे, और मेरे ख्याल से एक यूट्यूबर का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने व्यूज बताओ, दूसरे के व्यूज बताओ, जो सच्चाई है उसको बताओ। बट मैं देख रही हूं एक दिन हो ना, वीक में एक दिन हो तो समझ में आता, बट ये रोज हो रहा है, रोज आप एक लाइव सेशन खोल देते हो और आप काफी लोगों से बात करते हो, अच्छा लगता है, बट हर रोज नहीं,
हर रोज ये चीज करना, अब ऐसा लगता है ना कि आप ये लाइव सेशन कर करके आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देखो भाई मैं इतना बड़ा नाम का हो गया हूँ कि मैं रोज लाइव सेशन करता हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये मेरा व्यू है, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग भी लिखिए कि ये आपको अच्छा लग रहा है कि रोज एक लाइव सेशन होते जाए। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने मतलब यू नो आप लाइफ में क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो आप कुछ समझा ही नहीं रहे हो। इससे अच्छा तो हमारे दूसरे यूट्यूबर्स है, कम से कम दूसरे की टेप तो चला के बता रहे हैं कि भाई ये हुआ था, कम से कम खुद भी कुछ बोलते हैं। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब कहते हैं कि ये मैं बताने वाला हूं अपने वीडियो में, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं अंत तक जुड़ के रहती हूं जानने के लिए कि कहां तक क्या खुलासा आ रहा है। एस्टोनिश्ड, कुछ भी नहीं, धन्यवाद, हो गया, खत्म। अरे भाई वो बात तो आपने करी नहीं, तो वो बात भूल जाओ, वो होता ही नहीं है, वो एंड तक वो चलाते जाओ। आई एम नॉट रियली लाइकिंग ऑल दिस, इसलिए भी मैंने अवॉइड किया 2 दिन वीडियो नहीं बना के, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मुद्दा होना चाहिए। खाली बक 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 करने से सब कुछ नहीं हो जाता, मुद्दा, रियल मुद्दा होना चाहिए। मुझे आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वरना मेरे लिए ये भी मुद्दा है कि मैं आज एक वीडियो देख के बहुत चौंक गई। वो कौन है, वीपुरी, राइट, पर्ल वीपुरी, कितना घटिया इंसान है, कितना घटिया इंसान है। आई जस्ट होप कि जितना घटिया उसे बताया गया है वो सीरियसली है या नहीं। आई रियली आई एम लाइक 5 साल की एक बच्ची के साथ कैसे कोई रेप कर सकता है, कैसे कोई रेप कर सकता है यार, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कोर्ट कचहरी तो बात की बात है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कि 5 साल की एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देख के हम में प्यार आता है, हम उसे उसके गाल छू के उसे ओली बाबू ये करते हैं। रेप कैसे कोई कर सकता है, कैसे ये हिम्मत आ सकती है आपके अंदर, कैसे ये जज्बा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए आपको जिगरा कैसे मिलता है भाई। छी छी छी, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, इतने घटिया हो, इतने घटिया हो, अमेजिंग। मतलब ऐसा हमारे देश में ही हो रहा है क्या, बहुत घटिया लगता है ये। मतलब सोच के भी मुझे लगता है कि कहां तक हम चले गए। एक और बात बताना चाहती हूं कि जो सुना, एक पुष्टि हुई है, एक सूत्रों के हिसाब से पता चला है, सिद्धार्थ पिठानी जो अभी भी बैठा हुआ है, जिसको अभी तक गारंटर्स नहीं मिले हैं, यस, अभी तक उसे वो 4 गारंटर्स नहीं मिले हैं। और यहाँ कहना बहुत ही अजीब तरह से ये सब हो रहा है, और उसके बीच में ये पता चल रहा है कि अगर उसे गारंटर्स नहीं मिले, तो जैसे कि मैंने कहा था कि 10 दिन की काउंटिंग वही चलेगी 2 जुलाई तक ही, 2 दिन और बाकी है जहां पे हम वेट कर रहे हैं कि उसको गारंटर ना मिले। और ये भी बोला जा रहा है कि अगर उसे बाई चांस गारंटर मिल जाता है और वो बदमाश अगर बाहर निकलता है और कहा जाएगा कि अगर वो शादी करने के लिए निकला है या जो भी, तो पूरी पहरेदारी के साथ उसकी शादी होने वाली है। अब अगर शादी हुई नहीं हुई उसके बीच में ही ये कमीना अगर भागने की कोशिश कर रहा है, अगर वो भागने के लिए थोड़े से भी कदम निकालता है, अगर वो पकड़ा गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ा गया और भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस को पूरी तरह से ये छूट दी गई है। अब ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस को छूट मिलने के ऊपर भी वो उसको भगाएगी या भागने देगी, क्या करेगी, तो व्हाटएवर। तो कोर्ट से ये भी आया है कि उसे शूट कर सकते हैं, अब यह एनकाउंटर भी हो सकता है या शूट करके उसको बोला जाएगा अबे रुक, ये भी हो सकता है, पर भगोड़ा भी बन जाएगा वो, अगर वो कोशिश भी करता है तो ऑफकोर्स दैट इज नोन एज लाइक यू आर अ भगोड़ा भाई। बट मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिमाग में आ रही है कि ये जो पहरेदारी करने वाले जो पुलिस है वो उसे भागाने में यू नो ज्यादा दिमाग लगाएंगे या उसे भागने से रोकने में, क्योंकि हमें तो पता है मुंबई पुलिस कितनी अच्छी है, कितनी टैलेंटेड है, कि वो बचाएगी या क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं,
यस, रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। मुझे हर्ष ने एक बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी वीडियो देखने के बाद, कि उसने वो एंडोर्समेंट वाली वीडियो जो बनाई है कि कहां वो फुटबॉल प्लेयर वो कोकोला की बोतल को हटा के 30 करोड़ का नुकसान करवाता है, ये दिखाने के लिए कि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा, ये चीज सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा। और उसमें कोकोला को 30 करोड़ का भैया नुकसान हो गया। क्या फर्क पड़ता है, असली मर्द, असली फुटबॉल प्लेयर, असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने दिखा दी। आप सबको तो पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूं, मुझे नाम याद नहीं रहते इसलिए आई एम सो सॉरी। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने एंडोर्समेंट ऐसी चीजों के लिए मना करी, धन्यवाद। और वहीं पे राधे राधे वो सब कुत्ते कमीने सब कुछ कर रहे हैं। और यहां पे मैं देख रही हूं नेपोटिज्म कहां खत्म हो रहा है भाई, नेपोटिज्म कहां खत्म हो रहा है। ये अडवाणी जो एमएस धोनी में हमारे सुशांत के साथ जो हीरोइन बनी थी, वो अडवाणी को हटा के सारा अली खान को ले लिया गया है। क्या उसकी एक्टिंग, क्या उसका डायलॉग डिलीवरी आप लोग ने सुना है भैया? कसम से मुझे हंसी आती है। पर्पल की एडवर्टाइज कर रही, अरे तू रट्टा मार के आई है स्क्रिप्ट का, इट इज सो क्लियरली लाइक स्क्रिप्टेड। अडवाणी ने बहुत सुंदर से किया था और ये पूरा स्क्रिप्टेड कर रही है, बट यहाँ पे इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। भैया सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ये जो एडवर्टाइज करवाने वाले लोग हैं ना, ये लोग भी बिके हुए हैं। बॉयकॉट किस किस को करेंगे, बॉयकॉट किस किस को करेंगे। हंसी आती है, ऐसे देश में हम रहते हैं। बहरहाल अपडेट्स के हिसाब से बस यही कहा मैंने, सिद्धार्थ पिठानी अगर भागने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये चीज की छूट दी गई है कि उसको शूट कर सकते हैं। बेटा भागना मत, तू भागेगा तो जो शूट करेंगे तो और भी गंदी तरह से नीचे गिरेगा और तेरे ऊपर जो लांछन लगे जितने केसेस लगे उससे ज्यादा लगेंगे, तो भागने की कोशिश मत करना बेटे। तू जेल में ही सिक्योर्ड रहेगा, तू चुपचाप 2 जुलाई तक आ जाना, वरना तेरी शादी के बाद जो हनीमून करने का प्लानिंग है भाई, तेरे को मिले हैं ना 10 दिन, उसमें जो करना है कर, पर 2 जुलाई को घर पे आ जाना। अब फिर ये मत करना कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर पता चला उसकी डिलीवरी है। बेटा अब तू कितने भी बहाने कर लियो, कितने भी बहाने, तू जेल में ही सड़ेगा, जेल में ही सड़ेगा। शांति से अब सहना सीख ले और रहना सीख ले, समझे, जेल में ही तू रहेगा। और ये रिया चक्रवर्ती है कहां भाई, क्यों एनसीबी सीबीआई रिया चक्रवर्ती को नहीं खोज रही है या नहीं पकड़ रही है, मेरे को अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। अगर किसी के पास हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में देना। हाँ मुझे पता है ये सब बिक चुके हैं, एंड जस्टिस फॉर SSR, ये सब कमेंट्स तो है, बट ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो एनसीबी आप, सीबीआई आप क्यों हमें ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों इन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, या आदित्य ठाकरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसका आंसर मुझे अभी भी नहीं मिला, पूरी जनता को नहीं मिला, और हम जनता को ये आंसर चाहिए, हमें ये आंसर चाहिए। सो प्लीज हमें आंसर दीजिए। अब मैं 21 रुपए का रिचार्ज करवाती हूँ, अब ये अपलोड करवाना पड़ेगा भैया, बहुत कम है। साथ दीजिएगा मेरा, ये साथ ही हमें आगे बढ़ाएगा। भैया मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि वीडियो कॉलिंग कराऊं या फिर मैं लाइव सेशन कराऊं, बट सच बोलने के लिए हमेशा आऊंगी, और ये सच बोलने के लिए हर कुछ चाहिए, समझ रहे हो ना, हर कुछ चाहिए। साधु आत्मा बन के मैं नहीं कुछ ज्यादा बता पाऊंगी, अगर सही अपडेट देनी है तो कुछ चाहिए जिसके बिना पे मैं जाऊं, तो साथ मुझे देना। आप कुछ दो ना दो, गालियां देनी है गालियां दे सकते हो, बट साथ जरूर देना। डू सपोर्ट मी द वे यू आर ऑल रियली सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू, जय हिंद।